कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजार में लगातार आप देख रहे हैं बीते महीने में लगातार बाजारों में गिरावट आई है। गिरावट आने का मुख्य कारण, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, जो बरसात पूरे भारतवर्ष में देखी गई उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम सारे ठप हो गए और बिक्री का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होने के कारण बाजारों में जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज हुआ। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट के भाव, कास्ट आयरन के भाव की जानकारी, साथ ही HRC CRC कॉइल के भाव क्या रहे और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, वो भी आपको सारी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट से। मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट का भाव लगातार दिन प्रतिदिन बाजारों में गिरावट आ रही है। जैसे कि आप लोगों ने बाजार देखा 44,300 रुपए पे बीते जो हफ्ते में बाजार बंद हुआ 44,300 रुपए, इसमें 200 रुपए की नरमी रही, अपने न्यूनतम से न्यूनतम स्तर पे बाजार घट के बंद, बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 33,800 रुपए, 34,000 रुपए का घर तोड़ के 33,800 रुपए हो गया। एमएस इंगट वर्ल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपए बोला गया। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9:30 लाइव करके मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,300 रुपए रहा है, इम्पोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 41,300 रुपए। HRC CRC कॉइल की अगर बात करेंगे, लुधियाना HRC कॉइल का भाव 55,500 रुपए, CRC कॉइल का भाव 60,500 रुपए रहा। गाजियाबाद HRC कॉइल का भाव 55,500 रुपए, CRC कॉइल का भाव 61,500 रुपए। इसी तरीके कोलकाता HRC सीट का भाव 53,800 रुपए, CRC सीट का भाव 59,700 रुपए रहा। अब बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों की, तो विदेशी बाजारों में अगर बात करेंगे तो चाइना के बाजारों में आज आयरन और HRC रिवर के बाजारों में लगभग 0.75 से लगभग 0.25% की बाजारों में तेजी देखी जा रही है। फिर भी भारतीय बाजारों में लंबी चौड़ी तेजी बाजारों में आसार नहीं है। बाजारों में एक रेंज बाउंड्री कामकाज होगा, बाजार कुछ घटेगा और उसके बाद बाजारों में स्टेबिलिटी आपको नेक्स्ट मंथ से बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। चलिए जान लेते हैं रायपुर एच बी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एच बी वायर की बात करें तो 46,900 रुपये पर कामकाज रहा। जी आई वायर का भाव 52,400 रुपये रहा। MS पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का भाव 48,500 रुपये, रायपुर पाइप का भाव 45,500 रुपये बोला गया। तो सभी आप बाजारों में देखेंगे, बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। TMT के भाव की बात कर लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ TMT का भाव 49,000 रुपये हो गया, इसमें भी जबरदस्त गिरावट जारी है। दुर्गापुर का भाव 43,200 रुपये के आसपास रहा। इंदौर का भाव 47,800 रुपये। रायपुर की अगर बात करेंगे तो 42,800 रुपये। जयपुर का भाव 46,800 रुपये। मुजफ्फरनगर का भाव 47,100 रुपये। भावनगर का भाव 47,100 रुपये। गाजियाबाद का भाव 48,500 रुपये। जलना का भाव 47,400 रुपये। पटना TMT का भाव 45,000 रुपये देखा गया। तो बाजारों में आप देखेंगे कि ऊपरी स्तर से लगभग अगर देखेंगे तो TMT के बाजारों में भी लगभग 3 से 4,000 रुपये ऊपरी स्तर से गिर चुका है। 48,000 वाला बाजार अगर 44,000 हुआ है तो लगभग 4 से 4,500 रुपये की सरिया के बाजारों में भी ऑलरेडी बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। चलिए बात कर लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 43,900 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 44,700 रुपये का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 33,400 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 34,200 रुपये का। तो ओवरऑल आउटलुक में आप देख के चल सकते हैं ट्रेंड निगेटिव है, बाजारों में गिरावट बढ़ती हुई देखेंगे। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना नहीं है, बाजारों में रिकवरी भी आएगी तो 200-300 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी बाजारों में नहीं दिखाई दे रही है। तो खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए AB लाइव का ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। डेमो अगर लेना चाहते हैं तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24। नमस्कार।